तो दोस्तों, एक तो आप सोच रहे होंगे कि मेस से जो है वो सिर के ऊपर से जाता है ना, परसेंटेज लाभ हानि सरलीकरण, ये मेस जो है सिर के ऊपर जाता है। दूसरा ऊपर से पता नहीं कहाँ से ये बेलन संकु छिन्न घन घनाव ये ला दी है। तो भैया अब सिर के ऊपर से नहीं आएगा, अब सीधा जाएगा दिमाग में, चीज़ अगर अच्छे से समझोगे तो। देखो ये क्या है भैया, मैंने बेलन बना दिया है, अब चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो मैंने क्या किया, ये लेकर आया मैं कप। ये क्या है, कप है इसकी, ये भी तोड़ दी मैंने, नुकसान करवा लिया। तो क्या है कि भैया ये जो बेलन है इसको आप बेलन मान सकते हो, ठीक है ना। अब समझ में ये नहीं आता कि भैया पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसे कहते हैं और आयतन किसे कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। आप देखिए, आप इसको समझना, ये क्या है, बेलन है, इस टाइप से है, ये जो क्षेत्र है ये इसका ऊपर का है और ये जो क्षेत्र है इसका नीचे का है, समझ रहे हो मेरी बात। और ये जो है ना, ये क्या है, एच है, हाइट हो गई, समझ रहे हो। अब क्या समझना आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये जो है ना, ये सिर्फ क्या समझ रहे हो मेरी बात, ये जो है, ये जो कलर है ना, ये वाला, तो ये इसका क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है। क्या है ये, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें गोलाई है, गोलाई है इसमें। तो आपने व्रत पढ़ा होगा, पढ़ा है व्रत, व्रत की परिधि क्या रहती है, 2 पाई आर। नहीं पढ़ा हो तो मैं आपको बताता हूँ परिधि क्या है, ये जो गोलाई है, ये गोलाई क्या है, इसकी परिधि है। तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर। आप कहोगे कि ये तो परिधि है, तो बिल्कुल ये परिधि है। अब ये सब सिर्फ इतनी गोलाई की बात हुई, ये जो यहाँ से आप अगर चलेंगे, ये जो पूरी लंबाई है, यहाँ से वापस आप यहाँ आ गए, ये पूरी लंबाई क्या है, 2 पाई आर है ना। अब क्या है, यहाँ पर ऊंचाई भी तो बड़ी, ये जो ऊंचाई, अभी मैंने एक लाइन खींची, उसकी उसकी लंबाई, उसका क्षेत्रफल हुआ है, तो अभी लाइन ऊपर तक बढ़ती जाएगी। तो फिर तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एच का और गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। यानी कि जो पृष्ठ आपको दिख रहा है, क्या ये जो दिख रहा है ना आसपास का, ये अगर इस पर रखा जाएगा और इस पर ढक्कन लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसके ऊपर का भी और ये जो नीचे का दिख रहा है ना, प्यादों का जब फुल कटिंग कराया है ये भी और ऊपर वाला भी, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ये भी और ये भी, समझ, इसमें खत्म। तो क्या है, ये वाला जो है, ये वाला भी हिस्सा और ये वाला भी हिस्सा, ये इसको हमने पूरा रंगीन कर दिया, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल कंप्लीट, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो हमारे पास 2 पाई आर एच तो था ही सही पहले से, 2 पाई आर एच तो था ही सही इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें हमें क्या करना है, इसका जो नीचे और ऊपर का और जोड़ना है। तो अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त तो है इसमें ऊपर, पाई आर स्क्वायर, तो एक वृत्त तो ऊपर है एक है नीचे, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और 2 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि एक तो नीचे है, या फिर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 जोड़ दिया हमने तो हो गया ना 2, अब समझ लो, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, या तो इसको ऐसे ही करके सोल्व कर लेना आपको, अगर याद नहीं रहे सूत्र तो, और सूत्र याद रखना है अलग से, कि भैया हम नहीं, हम तो सूत्र याद रख लेंगे, तो भैया सूत्र रहता है 2 पाई आर आर प्लस एच, है ना, ये इसी में से निकला है, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन निकाला, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन निकाला, आर यहाँ से बच गया, एच यहाँ से बच गया, आर प्लस एच याद रखने में अच्छा रहता है, इसलिए आर प्लस एच लिख दिया, एच प्लस आर भी लिख देते हैं। अब आयतन, ओ भगवान, अब बात आ जाती है आयतन की, किसकी बात आ जाती है, आयतन की। तो अब समस्या आ जाती है ना, कि भैया आयतन क्या है। देखिए ये जो कप है ना, ये जो कप में हम जितनी चाय डालेंगे, फुल भरनी हमें चाय, खाती के मन खाती है तो फुल चाय पियेंगे, मालवा वाले नहीं, फुल चाय पियेंगे, इतनी सी भी खाली नहीं रहेगी। तो जितना इसमें भराएगा, जितना इसमें भराएगा ना, उतना क्या रहेगा इसका आयतन, मतलब जितना सामान इसमें चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये समझना आपको कि मैंने इसका एक जो परत है, सबसे नीचे वाली परत भरी, एक परत पूरी भर दी, तो वो क्या है, क्षेत्रफल है, तो पाई आर स्क्वायर, ये जो परत है ये भर दी मैंने, कुछ डाला इसमें ये भरा गई, है ना, सिर्फ यही भरा ही है, 1 सेंटीमीटर भी ऊपर नहीं गई, बूंदे बूंदा में है, तो पाई आर स्क्वायर है ना। अब जैसे ही मैं ऊपर बढ़ा जाऊँगा, मैंने कहा भैया 1 सेंटीमीटर भर दी मैंने, 1 सेंटीमीटर क्या भरी, चाय भर दी 1 सेंटीमीटर, तो क्या हुई, वो ऊंचाई बढ़ी उसकी, 2 सेंटीमीटर बढ़ी तो और बढ़ी, तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर और एच, धीरे से मैंने एच लगा दिया। तो अगर इसको यहाँ तक भरोगे तो यहाँ तक की आयतन निकाल लो, फुल भरोगे पावना आया है तो भी यहीं तक भरनी पड़ेगा, और अपन 2 ही 3 दोस्त हैं तो भी फुल भर लो, ठीक है, पानी बढ़ा दिया अपन ने, तो ये फुल भरोगे तो फुल तक की ऊंचाई ले लो, मान लो 2 सेंटीमीटर तक का भरा तो ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो क्या करना है, इसका आयतन का सूत्र क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच,
अब एक और चीज आती है इकाई, इसमें इकाई क्या लगेगी, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा या यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगेगा या यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लगेगा या मीटर, है ना। तो एक चीज आपको याद रखनी, जो यूनिट है जितनी रहे, यानी आर जो है सेंटीमीटर में था, एच भी आपका सेंटीमीटर में था, तो क्या लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। मान लो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या थी और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, तो 4 × 5 का गुणा हुआ और इसका भी गुणा होगा, लेकिन यहाँ पर इसकी कोई इकाई नहीं थी, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का गुणा भी तो होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इकाई लगेगी। बहुत डीप चीज़ें हैं ये। अब यहाँ पर भी ऐसे ही है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आर स्क्वायर है, 2 2 सेंटीमीटर का गुणा हुआ, और यहाँ पर भी आर और एच का गुणा हुआ 2 सेंटीमीटर का, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, दो चीज़ों का आपस में गुणा करते हैं तो स्क्वायर लग जाता है ना। अब यहाँ पर देखिए, आर स्क्वायर ने सेंटीमीटर स्क्वायर तो है ही सही, और एच भी सेंटीमीटर में, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसकी इकाई क्या होगी, आयतन की हमेशा क्यूब रहती है, क्षेत्रफल की हमेशा स्क्वायर रहती है, परिधि की वही रहती है सेंटीमीटर, है ना। और अगर इकाई मीटर में रहेगी तो मीटर क्यूब और मीटर स्क्वायर लग जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि भैया आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला सिस्टम। अब एक कप चाय पिलवा देना उधर आऊँ तो, समझ में आ रहा, और एक कप भी ला देना टाइगर वाले से। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली वीडियो नोटिफिकेशन मिले। और मुझे भाई साहब, मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अरुण पटेल ऑफिशियल से, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, भाई साहब फॉलोवर बढ़वाने, एक मुझे मैसेज कर रहा था, तो फॉलोवर बढ़वा दूंगा मैं तुम्हारे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।